तो भाई हम सबको पता है कि सितंबर 2022 को रायन रेनॉल्ड्स ने एक वीडियो के थ्रू सबको ये सरप्राइज देते हुए अनाउंस किया था कि एमसीयू में डेडपूल 3 मूवी बनने जा रही है और इस मूवी में डेडपूल के साथ ह्यूज जैकमैन के वुल्वरिन भी दिखने वाले हैं। जहां फैंस रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल और ह्यूज जैकमैन के वुल्वरिन को 2009 की वुल्वरिन ओरिजिन मूवी के बाद फिर से एक बार साथ में देखने वाले हैं। जहां इनिशियली डेडपूल 3 की रिलीज डेट को 8 नवंबर 2024 के लिए सेट किया गया था, बट बाद में अभी चल रहे राइटर्स स्ट्राइक की वजह से अभी इसे 6 मंथ प्रीपोन करके 3 मई 2024 को रिलीज किया जाने वाला है। जहां अभी ये रिलीज डेट भी कोई पक्की नहीं है क्योंकि राइटर स्ट्राइक के बाद सैग आफ्टरा के एक्टर्स भी स्ट्राइक पर चले गए हैं, जिस स्ट्राइक के बारे में मैंने एक वीडियो में डिटेल से बात की है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको एक बार जरूर देख लेना। फिर दिन ब दिन डेडपूल 3 मूवी के कई सारे कन्फर्म और ड्यूमर्ड कास्ट भी सामने आने लगी। जहां अगर कन्फर्म कास्ट की बात करें तो इमा कॉरिन, जो की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी में एक विलन का रोल प्ले करेगी। फिर 2005 की बेन अफ्लेक की डेडपूल मूवी से जेनिफर गार्नर उनके इलेक्ट्रा के कैरेक्टर में रिटर्न कर रही है। आगे प्रीवियस दो डेडपूल मूवी से मोरियाना बैकरी ने उनके डेडपूल की गर्लफ्रेंड वेनेसा के कैरेक्टर में, ब्रियाना हिल्डरब्रांड उनके नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड के कैरेक्टर में, लैजली उगम उनके ब्लाइंड एआई के कैरेक्टर में, करण सोनी उनके दोपिंदर, स्टीफन किपिके को उनके कोलोसस के, और डेडपूल 2 मूवी से शिओली कुटसुना उनके यूको के कैरेक्टर में रिटर्न करने वाली है। और वही रूमर्ड कास्ट में लोकी सीरीज से ओवेन विल्सन के मोबियस और लोकी का कैरेक्टर दिखने के साथ 2005 की डेडेविल मूवी से बेन एफ्लेक का डेडेविल, फैम के जेनसिन की जीन ग्रे, एलिजाबेथ ओल्सन की वंडा मैक्स और जेम्स मर्सडन के साइक्लोप्स के कैरेक्टर के दिखने के भी रूमर सामने आ रहे हैं। फिर इन सारी न्यूज के बीच में ल्यूस टैन, जिन्होंने डेडपूल 2 मूवी में शटर स्टार का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने डेडपूल 3 मूवी के एक स्टोरी प्लॉट सिनॉप्सिस आर्टिकल को कंफर्म किया था, जिसमें लिखा था कि इस मूवी में डेडपूल केबल की वॉच के थ्रू टाइम ट्रैवल करके लोगन मूवी में वुल्वरिन के डेथ होने से पहले उसे बचा लेगा और बाद में मल्टीवर्स में कहीं खो जाएगा और तब जाकर डेडपूल 3 मूवी में लोकी सीरीज से मोबियस के कैरेक्टर की एंट्री होगी और वो उन्हें पकड़ेगा। जहां ह्यूज जैकमैन ने भी कंफर्म कर दिया है कि डेडपूल 3 मूवी में केबल के टाइम ट्रैवल वॉच को यूज किया जाने वाला है। फिर मई 2023 को स्टीफन किपिके ने ये कंफर्म कर दिया था कि राइटर स्ट्राइक शुरू होने के बाद भी डेडपूल 3 मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। जहां आपको शायद पता नहीं होगा कि डेडपूल 3 मूवी के बाकी सारे राइटर्स के साथ रायन रेनॉल्ड्स भी इसके वन ऑफ द राइटर है। जहां एक तरफ राइटर स्ट्राइक शुरू हो गई थी तो वही मूवी की शूटिंग स्टार्ट और राइटर स्ट्राइक की वजह से डेडपूल 3 मूवी के स्क्रिप्ट या फिर डायलॉग्स में कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते थे, जिस पर डेडपूल कॉमिक बुक राइटर रॉब लिफर्ड ने बोला था कि भले ही डेडपूल 3 मूवी की स्क्रिप्ट में कोई भी चेंजेस ना हो पाए, पर हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि डेडपूल उसकी मूवीज में हमेशा मास्क पहना हुआ रहता है, तो बाद में उसके डायलॉग्स को इम्प्रोवाइज करके चेंज भी किया जा सकता है। तो जैसे ही मूवी की शूटिंग शुरू हो गई, उसके कुछ ही महीने बाद से ही मूवी से रिलेटेड और रायन रेनॉल्ड्स और ह्यूज जैकमैन के कई सारे मूवी प्रिपरेशन करते टाइम की इमेजेस सामने आने लगी, जिसमें उनके इनिशियल लुक्स भी रिवील हुए। जहां इन सब में स्पेशली जो भी लुक्स ह्यूज जैकमैन ने शेयर किए थे, उससे ये रूमर्स और सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन सामने आने लगे कि ह्यूज जैकमैन के वुल्वरिन के कैरेक्टर के डेडपूल 3 मूवी में कई सारे वेरिएंट्स दिखाए जाने वाले हैं, जिसको इनडायरेक्टली खुद ह्यूज जैकमैन ने कंफर्म करते हुए बोला था कि डेडपूल 3 मूवी में वो ड्यूअल रोल के साथ दिखने वाले हैं। और बाद में फाइनली वो दिन आ गया जब पहले रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल का और बाद में ह्यूज जैकमैन के वुल्वरिन के कैरेक्टर का डेडपूल 3 मूवी के सेट से फर्स्ट लुक शूट इमेजेस सामने आई। जहां एक तरफ रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल की कॉस्ट्यूम में उनकी प्रीवियस दो डेडपूल मूवी के कॉस्ट्यूम से थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे, तो वही दूसरी तरफ ह्यूज जैकमैन के वुल्वरिन के कॉस्ट्यूम उसकी कॉमिक बुक से काफी ज्यादा सिमिलर है। जहाँ इन्हीं फर्स्ट लुक इमेजेस के साथ डेडपूल और वुल्वरिन के फाइट करते हुए की एक वीडियो भी सामने आई थी, जो कि एमसीयू का प्रमोशनल प्लान था, बट बाद में कुछ दिन पहले उसी फाइट सीन वीडियो में से फैंस ने कुछ इमेजेस को स्पॉट किया, जिसमें हमें एक टूटा हुआ हेलीकॉप्टर, शिप और 20th फॉक्स सेंचुरी का लोगो देखने को मिल जाता है। जिसके बाद अभी ये रूमर सामने आने लगे कि डेडपूल 3 मूवी में मार्वल कॉमिक्स की डेडपूल किल्स मार्वल यूनिवर्स की तरह डेडपूल किल्स एक्समैन यूनिवर्स की स्टोरी लाइन को दिखाते हुए प्रीवियसली दिखाई गई एक्समैन मूवीज की टाइमलाइन को ठीक करके बाद में एमसीयू में एक्समैन की मूवीज को दिखाई जाने वाला है। वही एक रूमर ये भी बोला जा रहा है कि जिस जगह पर ये टूटा हुआ हेलीकॉप्टर, शिप और 20th फॉक्स सेंचुरी का लोगो दिखाई दे रहा है, वो जगह कोई और नहीं बल्कि लोकी सीजन 1 में दिखाई गई वाइड की लोकेशन है। और शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, पर आपने इस वीडियो में सबसे ज्यादा बार लोकी सीरीज और उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स के बारे में ही सुना होगा। तो मुझे तो यही लगता है कि मूवी का ये सीन डेडपूल किल्स एक्समैन यूनिवर्स का ना होके लोकी सीरीज से वाइड का लोकेशन हो सकता है। और जहां एक तरफ मूवी की शूटिंग जोरों शोरों से और फास्ट फेज में चल रही थी, तो वही डेडपूल 3 मूवी की 4 मंथ शूटिंग कंप्लीट होने से पहले सैग आफ्टरा की स्ट्राइक शुरू हो गई और अभी फिलहाल डेडपूल 3 मूवी की शूटिंग पूरी तरह से रुक चुकी है, जो कि अभी सीधा ये सैग आफ्टरा की स्ट्राइक खत्म होने के बाद शुरू होने वाली है। तो बस अब तक इतनी डिटेल्स डेडपूल 3 मूवी से सामने आई है। आई होप सो कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू डेडपूल 3 मूवी की सारी न्यूज से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हां तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस
प्रेस कर दें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।